जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कैपिटल में। तो लघु उत्तरी प्रश्नों की चर्चा हम लोगों ने कर ली थी, ठीक। तो आज हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्नों की चर्चा करेंगे, ठीक। तो इसमें दिया है पहला प्रश्न, निर्देशन का अर्थ बताइए या अर्थ स्पष्ट करते हुए उनको परिभाषित करिए। तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान खुद नहीं करता, वरन ऐसी विधियाँ बताता है जिनका प्रयोग करके बालक या व्यक्ति उन समस्याओं को सुलझा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मार्गदर्शन का क्षेत्र बताइए, ठीक। तो भाई मार्गदर्शन का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है और मानव जीवन की प्रत्येक समस्या इसकी परिधि में आ जाती है और यह किसी भी व्यक्ति के साथ संबंधित है। परंतु जहाँ तक विद्यालयों में मार्गदर्शन देने का संबंध है, यहाँ हम अपने केवल विद्यार्थी समुदाय के कल्याण की ओर ध्यान देना है। अतः यहाँ हम अपने आप को मार्गदर्शन के उस रूप तक सीमित रखेंगे जो स्कूल स्थितियों में विद्यार्थियों के कल्याण तक उनकी प्रगति के लिए आवश्यक है, ठीक। आगे है कि माध्यमिक स्तर पर निर्देशन की व्यवस्था बताइए। माध्यमिक स्तर पर निर्देशन देने में शिक्षक तथा प्रधानाचार्य के अतिरिक्त निर्देशन समितियों का भी संगठन बनाया जाता है। इन विद्यालयों में निर्देशन कार्यों में निर्देशन समिति या निर्देशन प्रदाता या तीनों भी होते हैं जो कि प्रधानाचार्य की सहायता करते हैं। बालकों के माता पिता का निर्देशन समिति से संपर्क बना रहता है और निर्देशन कार्यों में मुख्य स्थान निर्देशन प्रदाता का होता है। यह निर्देशन प्रदाता बालकों को अपने भविष्य को सुरक्षित करने का तरीके बताते हैं, साथ ही साथ यह विशिष्ट छात्रों को भी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। चौथा प्रश्न है कि सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं। तो भाई सामाजिक निर्देशन का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतों का निर्माण या पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सीखना। उच्च माध्यमिक स्तर पर निर्देशन का महत्व, तो उच्च माध्यमिक जो स्तर पर निर्देशन का बहुत महत्व है। मुदालियर आयोग 1952 के आधार पर देश के कुछ विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों को निर्देशन की सहायता प्रदान की जाती है, क्योंकि इसी स्तर पर भी छात्र विभिन्न व्यवसायों की जानकारी चाहते हैं। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के संबंध में ही सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। अतः उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में निर्देशन क्रियाओं एवं निर्देशन कार्यकर्ताओं की अधिक आवश्यकता होती है। इन विद्यालयों में प्रधानाचार्यों पर अधिक कार्यभार होने के कारण वे निर्देशन कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे पाते। अतः प्रधानाध्यापक द्वारा निर्देशन कार्य के संगठन कार्यों हेतु संचालन व निर्देशन प्रदाता को सौंप दिया जाता है। इस कार्य के निर्देशन के लिए संचालक को कक्षा अध्यापक, कक्षा परामर्शदाता तथा प्रधानाचार्य अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है, विशेषता विशिष्ट शिक्षा के संदर्भ में। उच्च माध्यमिक स्तरों पर एक ऐसे योग्य व्यक्ति को निर्देशन कार्य सौंपा जाता है जो कि इन बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझते हैं तथा उसी के अनुसार ही उन्हें निर्देशन देते हैं। परंतु साथ ही साथ इन्हें इसके लिए प्रधानाचार्य के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है। विद्यालय में निर्देशक का उत्तरदायित्व क्या है, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। शिक्षकों को निर्देशन कार्यों से अवगत करा के निर्देशन क्रियाओं का निरीक्षण करना, निर्देशक द्वारा समायोजन आदि से संबंधित समस्याओं के समाधान की खोज करना। निर्देशक निर्देशन नीतियों को निर्धारित करता है, निर्देशन कार्यक्रम को बढ़ाने में अपना नेतृत्व प्रदान करता है और निर्देशन द्वारा विद्यालयों तथा सामाजिक संस्थाओं के बीच में मध्यस्थ के रूप में कार्य किया जाता है। छठा है कि निर्देशक बालकों के माता पिता से संपर्क स्थापित कर उनसे बालकों की रुचियों व समस्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त करता है, ठीक। तो ये निर्देशक के उत्तरदायित्व थे। आगे है कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निर्देशन में कक्षा अध्यापक की क्या भूमिका है, ठीक। तो कक्षा अध्यापक की निर्देशन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कक्षा अध्यापक तथा निर्देशन कार्यक्रम के बीच गहरा संबंध होता है। शिक्षक छात्रों का अलग अलग परिस्थिति में निरीक्षण करता है, अतः कक्षा अध्यापक छात्रों से संबंधित कार्यों में उत्तरदायित्व का निर्वाह करके निर्देशन संबंधी जानकारियाँ प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि कक्षा में अच्छा व उत्तम वातावरण पैदा करना, अन्य निर्देशन कार्यकर्ताओं को सहयोग देना, असमायोजित छात्रों के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त होना, परामर्श प्रक्रिया का ज्ञान भी अच्छा अध्यापक को होना चाहिए जिससे वह छात्रों को वैयक्तिक परामर्श दे सके। आगे है छात्रों का निर्देशन प्रदान करने वाली दो विधियों के नाम बताइए, ठीक। तो यहाँ पे 5 विधियाँ लिखी हुई हैं, इनमें से आप कोई दो बता सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत तालिका सेवा, परामर्श सेवा या सूचना सेवा, परामर्श सेवा, स्थापन सेवा और अनुवर्तन सेवा, ठीक। तो ये 5 विधियाँ हैं जो निर्देशन प्रदान करने की विधियों में आती हैं, ठीक। बाकी इसी के साथ जो हमारा ये वीडियो था और रिलेशन था यहीं पर समाप्त होता है। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।